मार्केट जहाँ पे मेरी शॉप है, और एज़ यू कैन सी द मार्केट इज़ प्रिटी क्लीन। हम लोग सारे यहाँ के दुकानदार हैं, मिलके कोशिश करते हैं साफ़ सुथरा रखने की इसको। इसके लिए हमने एक ये डस्टबिन रखा है, और हमारा एक स्वीपर अपॉइंटेड है, जिसमें हम लोग महीने के महीने कुछ पैसे देख रहे हैं उनको, 100-150 रुपये पर शॉप, और अपने पैसे से ये हमने सारी फैसिलिटीज़ बनाई हुई हैं, अरेंज की हुई हैं, ताकि हमारी मार्केट साफ़ रहे। और आज मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, देर इज़ अ रीज़न टू इट, क्योंकि पैसे हम दे रहे हैं, एफर्ट हम कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें आज सबको एक चालान MCD की तरफ से रिसीव हुआ है, 16,000 रुपये का नोटिस, कि हमने जो सफाई कराई है वो हमने नहीं कराई, आज तक उन्होंने कराई है, जिसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। सो वेलकम बैक टू द चैनल, मैं बताता हूँ आज हुआ क्या है। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही है, क्योंकि हमें पता था कि हमें एक चालान सो कॉल्ड नोटिस रिसीव होने वाला है। लास्ट एक मंथ से हम सबको पता था, क्योंकि काफ़ी लोगों को हो गया है डेली में रिसीव। आई एम श्योर काफ़ी ट्रेडर्स होंगे, काफ़ी शॉपकीपर्स होंगे, आप सब में से देखने वाले, आपको भी ये रिसीव हुआ होगा। दिस इज़ नोटिस फॉर ₹16,000 लास्ट 32 महीने का, ₹500 पर मंथ के हिसाब से, जो कि MCD ने एज़ पर SWM रूल 2016 बनाया है, डिमांड नोटिस फॉर यूज़र फी चार्जेस, जिसमें वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करते आ रहे हैं हमारे यहाँ 32 महीने से, और उसके हमें ₹500 पर मंथ उनको देने हैं। तो MCD पहले तो ये बताया कि पिछले 32 महीने आप सो रहे थे, आपने पिछले 32 महीने हमें क्यों नहीं बताया कि हमें यह अमाउंट पे करना है। वैसे ही 500 नाजायज़ है, 100-200 रुपये समझ आता है, ₹500 पर मंथ अगर आपको हमें लेने थे, तो आपको 32 महीने के बाद याद आया। चलो याद आ भी गया, तो उस 32 महीने में 4 महीने तो लॉकडाउन के हो गए, उसके क्यों जोड़े गए। सारी जो अथॉरिटीज़ हैं MCD के जो ऑफिशियल्स हैं, मैं चाहता हूँ कोर्ट या लीगल जो भी अथॉरिटीज़ हायर अथॉरिटीज़, उनसे पूछे कि लास्ट 32 महीने उन्होंने अपना पूरा काम क्यों नहीं किया, ये पैसा अगर बकाया था तो वसूल क्यों नहीं किया, लॉकडाउन के बाद क्यों उन्हें एकदम से ध्यान आ गया। मैं बताता हूँ क्यों ध्यान आ गया, क्योंकि कोरोना काल में MCD अपने जो कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं दे पा रही, क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं है। अगर उनके पास फंड्स नहीं है, तो सर हमारे पास भी इतने फंड्स नहीं है, लॉकडाउन हमारे लिए भी था, हमारे पास भी इतने फंड्स नहीं है कि हम आपका ये जो नाजायज़ कलंदा आपने बनाया 16,000 का, हम आपको दे दें। मैंने जैसे कि आपको दिखाया कि इस पूरी मार्केट की साफ़ सफाई हम लोग कर रहे हैं, पिछले 15-20 साल से तो मैं देख रहा हूँ हम लोग कर रहे हैं, आज तक कोई इसमें MCD का ऑफिशियल, कोई कर्मचारी सफाई रिलेटेड कभी नहीं आता। और आप लोग जानते ही हैं, जो ये कर्मचारी सफाई MCD वाले होते हैं, वो तो अपॉइंटेड कागज़ों में हैं, उन्होंने आगे छोटे लड़के सब कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करते हैं, रखे हुए हैं, जो 4-5 हज़ार रुपये लेते हैं और सफाई करते हैं। चलिए वो ऑल टुगेदर दूसरी बात है, उसमें नहीं घुसना हमको। 500 रुपये आपने लगा के दे दिए हैं 32 महीने के, 16,000 के हिसाब से, व्यापारी ट्रेडर शॉपकीपर पूरी दिल्ली के आपको किस बात के दे दें। हम लोग अपना GST दे रहे हैं, हम लोग अपना इनकम टैक्स दे रहे हैं, शॉप्स का प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, वो किस खाते में जा रहा है कि जो हमें सफाई के भी पैसे देने होंगे। कुछ तो आप अपने सर पे ले लो, कुछ तो सर पे ले लो। अगर आपको ये MCD में सेंटर से जो पैसा ले रहा है, वो उसका क्या करेंगे फिर, अगर ये भी हम नहीं देना तो। एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, कहावत तो बहुत अच्छी है, बट मैं मानता नहीं यहाँ पर कि जो हमारे जो राजा हैं चौपट हैं, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही काबिल तारीफ काम करते हैं, बहुत ही कैपेबल हैं वो, हमको एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के सामने, इन्वाइट कर रहे हैं हमको, हमारी कंट्री को, कि हम लोग यहाँ आए, मैन्युफैक्चरिंग करें, बिज़नेस करें, ईज़ ऑफ ट्रेड कर रहे हैं, जो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस थी फॉर्मेलिटी से उनको ख़त्म कर रहे हैं। बट ग्रास रूट लेवल पे ये हो रहा है, जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ ये हो रहा है, ये जायज़ है। आप सब जो देख रहे हैं, आपने जो शॉपकीपर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग, हम लोग सबको साथ आना चाहिए। ये वाली न्यूज़ आज तक किसी हमारे ग्रुप पे नहीं आई, कोई वीडियो इस पे नहीं आया, कोई न्यूज़ चैनल इसे कवर नहीं कर रहा, क्यों? मैं चाहता हूँ सब लोग कवर करिए, इसे फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, लाइक बेशक मत करिए, बताइए सबको कि ऐसा हो रहा है, इसे होगा क्या, कि मुझे हमेशा की तरह बात बढ़ेगी, थोड़े से दंगे होंगे, प्रोटेस्ट होंगे, सरकार थोड़ा सा सेटबैक करेगी, और 32 महीने के बजाय कहेगी चलिए 3-4 महीने का दे दीजिए, तो उसमें नुकसान किसका होता, जो सबसे पहले दे देता है। आज ये 16,000 रुपये मैं तो चलिए अभी नहीं दे रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दे देंगे
दो चार दिन में दे देंगे, लेकिन एंड में क्या होगा, या तो जिन्होंने नहीं दिया उनका इंटरेस्ट माफ़ हो जाएगा या ऑल टुगेदर माफ़ हो जाएगा। ये नाजायज़ काम कराने के तरीके हमारी अथॉरिटीज़ को छोड़ने होंगे। ये कोई तरीका नहीं है कि आप कुछ भी अमाउंट बना के भेज दीजिए, नोटिस भेज दीजिए। आपने जब ये रूल बनाया उसका आपने नोटिफिकेशन अगर दिया भी किसी छोटे अखबार अखबार में, तो ऐसे दीजिए ना कि सबको पता लगे। टाइम एंड अगेन रिपीट करिए। हमारे यहाँ अगर आप पर्सनलाइज हमें ये नोटिस भेज सकते हैं, तो पर्सनलाइज हमें जब ये रूल पास हुआ था उसकी कॉपी भी तो आप पर्सनलाइज भेज सकते थे। वो भेजिए आप लोगों ने, नहीं क्योंकि आप भेजना ही नहीं चाहते थे। आप इस वीडियो को शेयर करिए सब, इस प्रॉब्लम को कैसे हमें ख़त्म करना है या आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, इसका कोई आइडिया हो आप अपनी एसोसिएशंस को बताइए, क्योंकि एसोसिएशंस ही मिलके कुछ कर सकती हैं। बस आप और बताइए एमसीडी कि अगर आपने मेरा जो पेंडिंग अमाउंट है हमारी दुकानदारों का बनाया हुआ था, तो हम हर साल लाइसेंस रिन्यू कराने जाते हैं, तो वो कैसे रिन्यू हो जाता है जब हमारे आपके पास पेंडिंग अमाउंट है, तो तब क्यों नहीं शो किया? मतलब आपके सिस्टम दे आर नॉट इन प्लेस। जब आपका मन करेगा वो आप काम करेंगे हैं। तो लास्ट यही कहना चाहूँगा कि ये पे करने का जो भी है गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये जायज़ है नहीं जाए ना जायज़ है, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए इस पर। अगर उनको जो कैपेबल अथॉरिटीज़ हैं हमारी जो गवर्नमेंट एमसीडी में है और जो हमारी स्टेट में है, वो बैठ के मिल के बात करिए, ना जायज़ जो उन्होंने स्टेप लिया है इसको उन्हें वापस लेना चाहिए आई गेस। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कमेंट्स में बता सकते हैं कि इसका हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू।